Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग डिसम्बर लव टैरो रीडिंग्स फॉर ऑल द जोडियक साइन. सो आपको हर राशि के बारे में अलग अलग वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल. इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डेली टैरो रीडिंग पोस्ट करती हूँ. साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों ही की लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ से. इसी के साथ साथ बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम आपकी रीडिंग मून साइन के बेसिस पे देखें या सन साइन के बेसिस पे देखें. जनरली जितनी भी मेरी टैरो रीडिंग्स अपलोड होती हैं वो सारी बेस्ड होती हैं ऑन दी वेस्टर्न जोडियक एस्ट्रोलॉजी, जिसका मतलब है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ से जो राशि आती है उसके बेसिस पर होती है. बट इसी के अलावा आप अपनी मेरे वीडियोस आप एज पर मून साइन, सन साइन या आप जिससे भी ज़्यादा फील करते हो कि मैं ये राशि का हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है, या मैं अपने आप को लिब्रा मानता हूँ, मैं अपने आप को यू नो स्कॉर्पियन मानता हूँ, आप जिससे भी आपको पता हो कि आप किससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, कौन सी राशि मोस्टली आपके साथ ज़्यादा रिलेट होती है, आप उसके बेसिस पर भी मेरी रीडिंग्स देख सकते हैं. इवन दैट विल हेल्प यू इक्वली द बेटर वेज. सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये राशि से देखें या ये राशि से. मैंने अपना फॉर्मेट आपको बता दिया है, उसके अलावा आप अपने फॉर्मेट से भी मेरी राशि वाले वीडियोस देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन. हेलो सजिटेरियस, सो ये टैरो रीडिंग आपके लिए है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. सबसे पहली चीज़ कि सैजिटेरियस कैसा फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. सो आपके लिए जो कार्ड आया दैट इज़ द कार्ड ऑफ द हर्मिट. सैजिटेरियस सबसे पहली चीज़ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आप कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है मे बी आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, मे बी आपने रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दिया है एंड हमेशा ही आप बेस्ट देते हो, लेकिन समहाउ सामने वाला पर्सन मे बी जो लव एंड रिस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते हो आपको रिटर्न में नहीं मिल पाई है. मे बी इतना सब कुछ अगर ना भी हो तभी ये पीरियड अभी ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको लोनली फीलिंग आ रही है, जहाँ पे आप इतना डीपली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो. थोड़ा सा हम कहते हैं ना आइसोलेटेड फील करना, अकेलापन महसूस करना या खुद से किसी और से बात करने की इच्छा ना होना. अब इसके कारण बहुत हो सकते हैं, मे बी पास में कोई रिलेशनशिप इशूज़ हुए हैं या इन जनरली आपको ये फीलिंग आ रही है, मे बी योर पर्सनल लाइफ स्ट्रगल्स ऑल्सो. तो इसके दो पहलू हो सकते हैं, बट मुझे जो चीज़ हाईलाइट हो रही है कहीं ना कहीं जो आगे की भी कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ, ज़्यादा सिचुएशन ये दिखती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस हो रहा है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको वो लव रिटर्न में नहीं मिल रहा है एंड दैट इज़ वॉट यू आर लैकिंग एंड मिसिंग. सैजिटेरियस दिसंबर मंथ में आपके बिहेवियर एंड एटीट्यूड या फीलिंग्स के तौर पर ये एनर्जी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है कि द हर्मिट का कार्ड है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये अकेला है, अपने अपना वक्त अपने आप में बिता रहा है, उसके पास एक लाइट है, वो खुद को विजडम दे रहा है, समझा रहा है ज़िंदगी के डीपर मीनिंग के बारे में, सोच रहा है कि यू नो ऐसा क्यों क्या, अपने आप को समझा ज़रूर रहा है. ये पीरियड एक तरीके से एक न्यू लाइट न्यू एनर्जी ज़रूर लेके आता है, बट किसी ना किसी वे में पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है. तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है सैजिटेरियस. अगर ऐसा है आप ऐसा फील करें तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. आगे एक एक कार्ड को भी मैं रिवील करूँगी, बट ये सबसे ज़्यादा एनर्जीज आपके लिए मुझे हाईलाइट हो रही है सैजिटेरियस की. कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसी बात है जिसको आप खुद ही नो अकेले हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को बता भी नहीं रहे हो, आप अंदर से इतने सैड हो या अपसेट हो, आप खुद ही उस पर वर्कआउट करके उस पर मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं. साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर का क्या कार्ड है, तो आपके पार्टनर का थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. सबसे पहली चीज़ इसमें मैं कहूँगी दो पहलू होते हैं इसमें. कुछ सैजिटेरियस के जो पार्टनर्स हैं वो ये फील कर सकते हैं कि वो अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं, ज़्यादा ही मे बी बिजनेस में है, जॉब में, जो भी चीज़ में उनका ध्यान ज़्यादा, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा हैं, तो मे बी आपको इमोशनल कनेक्शन अभी नहीं दे पा रहे, उनका ध्यान अपने काम पर ज़्यादा है, अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये एनर्जीज हो सकती है. बट इसके अलावा इन जनरल मुझे कहना हो कुछ सैजिटेरियस फील कर सकते हैं कि उनके पार्टनर एक्चुअली कुछ सैजिटेरियस, आई रिपीट, कि मे बी कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कि कोई थर्ड पर्सन का उन्हें मे बी किसी के साथ यू नो कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है. एंड मे बी इसीलिए शायद सैजिटेरियस, कुछ सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ डिसम्बर ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, मे बी ड्यू टू दिस सिचुएशन. अब प्लीज़ सैजिटेरियस
जाते ही अपने पार्टनर पे ब्लेम या डाउट ना कर लें, अनटिल एंड अनलेस पहले से वो एनर्जीज आपको अंदर से फील हो रही हैं या पता है या श्योर हैं, उन्हीं के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है थर्ड पर्सन वाली। अदरवाइज इन जनरल आपके पार्टनर में भी आपको उतना लव एंड अफेक्शन नहीं दे पा रहे बिकॉज वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, इतना काम पे ध्यान दे रहे हैं, या उनके पास यू नो वो प्रैक्टिकल ज़्यादा हुए पड़े हैं, उस तरीके का आपको इमोशनल केयर एंड इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, ये एनर्जीज दिखती है इन जनरल फॉर्म में। उसी के साथ साथ मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, अगेन मुझे कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स के कारण है, ये अगेन आपके पैसे और करियर को ज़्यादा हाईलाइट करता है। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर करियर को लेकर बंदे ज़्यादा फोकस हैं, दोनों ही पार्टी ज़्यादा फोकस में हैं, बट कहीं ना कहीं इन जनरल स्ट्रगल्स दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बट स्टिल इसमें से स्ट्रगल्स से हट कर दोनों ही पार्टी रिकवर होकर वापस से आते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑलरेडी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप है, मैरिड हैं, तो ऑफकोर्स रिकवरी होने के चांसेस अच्छे हैं, हो सकती है बिकॉज आपके यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। सो ऑफकोर्स ये इंडिकेट करता है कि यू नो आफ्टर स्ट्रगल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स हैं, ये ब्लैक क्लाउड्स हटकर आपके लिए खुशखबरी लेके आ रही हैं एंजल्स की, यू नो थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी। तो जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी लोनलीनेस है, और ये इस कार्ड भी तब आता है जब बंदा बहुत स्ट्रगल कर चुका होता है एक चीज़ को लेके, बहुत प्रेयर करता है कि नो ये चीज़ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तब वो बहुत प्रार्थना करता है, तब जाके उसकी वो मन्नत पूरी होती है। वो डीप प्रेयर्स एंड एनर्जीज के बाद जब हमें चीज़ मिलती है ना, खूब मन्नतों के बाद में, वो वाली डीप एनर्जी का ये कार्ड है। सो ऑफकोर्स सजिटेरियस, अगर कोई लंबी प्रॉब्लम चल रही है, कोई मन मुटाव है, कोई इश्यूज़ हैं, तो ऑफकोर्स उस सब चीज़ों को लेकर मैं 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकती हूँ ना कि वो चीज़ें हो जाएंगी, बट येस मैं ये कह सकती हूँ एकदम से कम्प्लीटली एंडिंग्स नहीं है रिलेशनशिप की, रिकवरी है, धीरे धीरे स्टेप अप होगा, प्रोग्रेस होगा, बट पॉजिटिविटी के चांसेस हैं, जो मुझे बेसिकली लग रहा है सजिटेरियस थ्रू द टाइम कहीं ना कहीं आप ही को इमोशनली, जैसे जैसे आपके मूड स्विंग्स अभी हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, धीरे धीरे थ्रू द टाइम आप इसमें बैलेंस हो जाएंगे, आपके पार्टनर भी बैलेंस हो जाएंगे, चीज़ों में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बन सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हैं पॉसिबिलिटी। साथ ही साथ आपके लिए मैं अगर गाइडेंस कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स आया। अब बहुत से कुछ साजिशों को मैं कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं जजमेंट के कार्ड के साथ में भी, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई बात रखते हैं, स्पेशली इन मैरिज में हम कोई बात रखते हैं लेकिन अनबन फैमिलीज में हो जाती है, तो हम कहते हैं ना रिलीजन हो गया, रिलीजियस हो गया, इन सब मामलों के जब कार्ड आते हैं तो हम कहते हैं इट्स रिलेटेड टू फैमिली मैटर्स, हम कहते हैं ना मे बी कपल्स एक दूसरे को फिर भी चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट फैमिलीज अलग है, या फैमिली का रिलीजन अलग है, फैमिलीज की कास्ट अलग है, तो यू नो फैमिली नहीं गेट अलॉन्ग हो पा रही, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इशूज़ हो रही हैं। तो कुछ सजिटेरियस इस चीज़ से भी, ये इंडिकेशन उनके लिए है रीडिंग के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सिचुएशन से आप रिलेट हो पाए हैं, क्या आपके लिए मैसेज है। तो फैमिली इश्यूज, फैमिली क्लैशेस, फैमिली का इन्वॉल्व होके यू नो कोई फैमिली मेंबर का यू नो होता है ना कपल्स में यू नो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कोई फैमिली मेंबर्स की वजह से, या वो उस कपल को यू नो हो जाते हैं इश्यूज ड्यू टू फैमिली मेंबर्स, वो एक तरीके का है। कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, फिन रिलेशनशिप, तो ये तरीके का एक बिलीफ सिस्टम या फैमिली मेंबर्स का इशू होना, ये एनर्जीज भी हाईलाइट होती दिख रही हैं सजिटेरियस के रिलेशनशिप में। इन चीज़ों को लेकर इशू है तो इसे बैठकर बात कर करके आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ सजिटेरियस के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप को लेकर ये चीज़ें हाईलाइट हैं। उसके अलावा अगर मुझे इन जनरली कहना हो कि क्या आपके लिए ऑल ओवर मैसेज एंड एनर्जीज हैं सजिटेरियस, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर कर धीरे धीरे इस सिचुएशन में से स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरीके की इंटेंसिटी आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं सजिटेरियस इन दी मंथ ऑफ दिसंबर, जिस तरीके का आप महसूस करें, आपको सबसे पहले इसमें स्टेबल होने की ज़रूरत है, बिकॉज मे भी कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स देयर आर फैमिली इशूज़, समटाइम यू नो दूसरी पार्टी आपको अच्छे से समझ नहीं पाती है ना, आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, क्या ये आपकी वजह से हुआ है या आपके साथ क्यों हुआ है, आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं सजिटेरियस, सो इफ़ दिस इज़ हैपनिंग विद यू जस्ट अवॉइड इट, स्टेप बैक। इसी के अलावा अगर मुझे कहना हो तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं रिलेशनशिप में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट अगेन इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस सजिटेरियस, बिकॉज जजमेंट के कार्ड्स हैं, इससे क्विक रिकवरी नहीं देखी जाती, स्लो प्रोसेस होती है, सो यू नीड टू हैव पेशेंस थ्रू दिस टाइम सजिटेरियस। But the only thing I want to highlight again and again, that is, Sajis, you need to take care of yourself.
एंड ये जो सिचुएशन है, जो फैमिलीज इश्यूज हैं या जो कपल्स में इश्यूज हैं, अगर माइनर लेवल पे तो ऑफ कोर्स रिकवरी के चांसेस हैं, बट इफ़ इट्स अ लॉन्ग टर्म ड्रैग होता जा रहा है, फैमिलीज भी नहीं समझ पा रही हैं एक दूसरे की, लंबी चीज़ खींच रही है, तो ये धीरे धीरे से टाइम लेगी. तब तक आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है इन दिस रिलेशनशिप और इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. एटलीस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ योर यू नो, ट्राई टू गेट स्टेबल. योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी सजेस्टेड. बट प्लस टू दैट ऑल्सो मैं कहूँगी, जब भी बंदा ऐसे अपने साथ अकेले में बैठता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, तो उसको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी एंड पॉजिटिविटी भी मिलती है. ये खासियत है इस कार्ड की. हम कहते हैं अगर आप कुछ वक्त अकेले हैं, अकेले बिता रहे हैं, तो उसके बाद में आप इतने स्ट्रांग हो के बाहर आते हो, इतनी क्लैरिटी के साथ बाहर आते हो सजिटेरियस, यू बिकेम मच मोर क्लियर, बोल्ड एंड स्ट्रांग बन के पर्सनैलिटी आती है. वो एक अच्छी चीज़ है सजिटेरियस. सो दिस इज़ दी ऑल ओवर रीडिंग एंड मैसेजेस आई कैन गेट फॉर यू. बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम्स और आती हुई नहीं दिखते रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप के चांसेस हैं फॉर गोइंग ऑन द रिकवरी साइड, बट स्लो प्रोसेस है, क्विक नहीं है, फास्ट नहीं है, धीरे धीरे प्रोसेस है. एंड रेस्ट, आपको खुद का ख्याल रखने की सबसे ज़्यादा सजेशन एंड पॉजिटिव तरीके से मैसेज है आपके लिए फॉर दिस मंथ ऑफ दिसंबर सजिटेरियस. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसे समझ पाए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं. इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो सजिटेरियस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.